हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप अपने कार का वाइपर ब्लेड कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। वाइपर ब्लेड रिप्लेस करना बहुत इजी है और ये इतना सिंपल है जैसे किसी पेन पे उसका कैप लगाना। 15 टू 20 सेकेंड में आप इसे खुद रिप्लेस कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी भी सर्विस सेंटर या मैकेनिक के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट कि आपको कब पता चलेगा कि आपका वाइपर ब्लेड डैमेज हो चुका है और उसे रिप्लेसमेंट की जरूरत है। तो अगर आपका वाइपर ब्लेड ब्रिटल हो चुका है, इसका जो रबर पोर्शन है वो हार्ड हो चुका है या डैमेज हो चुका है, तो इसे आपको सही टाइम पर रिप्लेस कर देना चाहिए। जनरली इसका लाइफ 1 to 2 ईयर्स होता है। इसे चेंज करने का सबसे बेस्ट टाइम है बिफोर रेनी सीजन। और अगर आप इसे सही टाइम पर रिप्लेस नहीं करेंगे तो ये आपके विंडशील्ड को डैमेज करेगा और ड्यूरिंग रेन ये आपके विजिबिलिटी को भी रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो अब इसे रिप्लेस कैसे करना है, तो अगर आप यहाँ पे इसे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक क्लिप टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। यहाँ पे इस क्लिप टाइप के स्ट्रक्चर को आपको इस तरह से प्रेस करना है और इससे इस तरह से पुश करना है। देखिए, ये देखिए, ये आपका बाहर आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है और यहीं पे स्लॉट बना रहता है जहाँ पे लॉक आके फिट हो जाता है। उसके बाद आपको न्यू वाइपर ब्लेड लेना है। आपके व्हीकल के हिसाब से जो भी वाइपर ब्लेड है उसे आपको लेना है, कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। और यहाँ पे यही स्ट्रक्चर यहाँ भी रहता है, देखिए इस तरह का ये रहता है। आप फिर से एक बार देख सकते हैं, ये आप प्रेस करते हैं तो ये बाहर आ जाता है। और यहाँ पे एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर रहता है जो कि आ करके यहाँ पे फिट हो जाता है। तो अब इसे फिट करने के लिए जस्ट आपको इस तरह से इंसर्ट करना है यहाँ पे और इस तरह से प्रेस करना है। जैसे ही क्लिक किया मतलब ये सेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे फिट कर सकते हैं और ये जो आर्म है इसे आपको बाहर निकालने का कोई जरूरत नहीं, आप कार में ही फिट कर सकते हैं इसे। जैसे मैंने बताया, मैंने दिखाने के लिए इसको बाहर निकाला था, तो एक बार आपको मैं कार पे ही सेट करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। तो आपने देखा कितना सिंपल है वाइपर ब्लेड को रिप्लेस करना। और ये जो वाइपर ब्लेड आता है वो साइज़ के हिसाब से आता है आपका, या आप अपने व्हीकल के लिए भी ले सकते हैं अपने ऑथराइज सर्विस सेंटर से, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। जैसे ये 16 और 19 इंचेस का है और यहाँ पे एक चार्ट भी बना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किस व्हीकल में कितने इंचेस का लगेगा। 17 इंचेस, 18 इंचेस, 19 इंचेस, 20 इंचेस, सारा इसमें मेंशन है, आप देख सकते हैं इसे किस व्हीकल में किस हिसाब से लगेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट टाइम जब भी आपको अपने कार का वाइपर ब्लेड रिप्लेस करना होगा तो आप विद इन फ्यू सेकेंड्स इसे खुद से रिप्लेस कर सकेंगे। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो भी अपने कार को खुद से रिपेयर करना चाहते हैं, छोटी बड़ी चीज़ें को खुद से करना चाहते हैं। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।